Let me show you, dear children. Today we are going to write composition, rachana. Name of the topic is Diwali. We are going to write on Diwali. Diwali के बारे में हम पांच वाक्य लिखने जा रहे हैं. So take your notebook, get ready to write. Okay, so write, all of you children, write the heading Diwali. Rachana Diwali. Write Rachana Diwali. Diwali or Deepavali. Okay. First sentence. Deepavali दीपों का त्योहार है. Deepavali, Deepavali, Deepavali दीपों का त्योहार है. Deepavali दीपों का त्योहार है. त्योहार है. दीपावली दीपों का त्योहार है. दिवाली का त्योहार दिवाली, दिवाली दीपों का त्योहार है. दिवाली का त्योहार, दिवाली का त्योहार, दिवाली का त्योहार कार्तिक मास में आता है. कार्तिक मास, कार्तिक मास में आता है. आता है. दिवाली के दिन, थर्ड पॉइंट, दिवाली के दिन, दिवाली के दिन लोग, दिवाली के दिन लोग घर और आंगन, घर और आंगन, घर और आंगन, घर और आंगन दीपों से सजाते हैं. दीपों से, दीपों से सजाते हैं. दीपों से सजाते हैं. फोर, दिवाली के दिन, दिवाली के दिन, दिवाली के दिन, दिवाली के दिन लोग, लोग दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं. नए कपड़े
नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। और नए कपड़े पहनते हैं कौमा, मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं कौमा, और पटाखे चलाते हैं, और पटाखे चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। लास्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ वन, यह बुराई पर, यह बुराई पर अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत का, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, त्योहार है। See children, these are the five sentences on Diwali. We can call Diwali or Deepavali. Diwali Deepon ka Tyohar hai. Tyohar, what is the meaning of Tyohar? Tyohar means Utsav. Tyohar, Utsav, festival. सेकेंड वन, दिवाली का त्योहार कार्तिक मास में आता है। मास मीन्स महीना, मंथ। यह त्योहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या, अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यू नो व्हाट इज अमावस्या? No moon day. Amavasya means full dark. Everywhere is dark. No moon day. On that day, we can't see the moon. So, when the people light the lamps, it looks very beautiful. So, Diwali ka tyohar Kartik maas mein. Maas means month, mahina. दिवाली के दिन लोग घर और आंगन दीपों से सजाते हैं। What people do on that day, on the occasion of this day or Deepavali, people घर और आंगन, घर means house, आंगन courtyard, आंगन courtyard, दीपों से सजाते हैं। They decorate their houses and courtyard
with lamps. सजाना, सजाना का अर्थ है डेकोरेट. नेक्स्ट फोर्थ वन, दिवाली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं. पीपल वियर न्यू ड्रेसेस. नए कपड़े पहनना, पहनते वियर, पहनते वियर. नॉट ओनली दैट, मिठाइयां खाते हैं. दे ईट स्वीट्स. दे ईट स्वीट्स. एंड पटाखे चलाते हैं. एंड दे बर्स्ट क्रैकर्स. ओके, फिफ्थ वन, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है. बुराई इविल. बुराई मीन्स, बुरा मीन्स इविल. अच्छाई गुडनेस. अच्छाई गुडनेस. जीत विक्ट्री. सो ये जो त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर इविल. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. सभी को समझ में आया? नाउ राइट द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस. नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक. Only this you have to write in your notebook, the meanings which I'm going to give now, only to understand. You can write that meanings in the rough book, not in your notebook, okay? Okay, children, meanings, earth, deep. Deep means lamp. Tyohar. Tyohar. Festival. Tyohar festival. Deep lamp. Diya or Diya. Festival. Utsav. Utsav. Parv. आंगन. आंगन. कोर्टयार्ड. आंगन कोर्टयार्ड. सजाना. सजाना. Sajana, to decorate. Sajana, to decorate. Sajana, to decorate. Naye kapde. That you all know. Pehenna. All these verbs you should know. Pehenna, to wear. Pehenna, to wear.
मिठाइयां स्वीट्स, मिठाइयां स्वीट्स, इसका बहुवचन मिठाई, मिठाई मिठाइयां. सी चिल्ड्रेन, कैन यू सी हियर एनी डिफरेंस? कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस इन बोथ दीज वर्ड्स? फर्स्ट वन मिठाई, हियर ई इज big E, isn't it? Dirgha E. But when this word became bahuvachan, plural, this E became small. See, mithaiya, mithai, mithaiya. Okay, children, that you have to understand. Patake, that you all know. पटाखे, क्रैकर्स, बुरा, इविल, अच्छाई, अच्छाई, गुडनेस, अच्छाई, गुडनेस, जीत, जीत, विक्ट्री, see, can you see here? Many verbs came. Sajana is a verb, kriya. Pehenna is a verb, kriya. Mithaiya. Next kriya is khana. To eat. Khana, this is also a verb. So many verbs are there. When we add na with any verb, we have to use to. If only the word is saja, you can write decorate. Sajana, to decorate. Pehenna, to wear. Khana, to eat. Ana, to come. A is a main verb. We add na with ana. Became a means come. Ana, to come. Okay. Same here. Mithai, mithaiya. Patakha, patakhe. Patakha, patakhe. Deep ka bahuvachan is deep. Deep ka bahuvachan. It is not deepe, deepaye. That is wrong. Deep ka bahuvachan is deep. Deep. Deep ka bahuvachan is also deep. Pataka, patakha, patakhe.
Okay, children, I hope you all understood this. So you have to study these sentences. Okay, children. Thank you. Namaskar.